बहुत भूख लगाई और हम लोग मुंबई का जो जैसे मुंबई को दिल बोला जाता है हिंदुस्तान का, तो जो मुंबई का दिल है वो जगह पर हम लोग जाएंगे अपने पेट की भूख मिटाने के लिए, मीनारा मस्जिद की गली इंशाल्लाह। 700 रुपए बोला मैंने, मारेगा भाई? नहीं क्यों मारेंगे भाई, वो उनका प्राइस था। बकरे में तुमको कोई मारते है क्या, हाथ लगा सकते है क्या? अभी ऐसा मत कर यार, 14 लाख की आबादी में 15 लाख खाल है और सब रोड पे, और भाई जगह ही नहीं है, और थोड़ा सा हम लोग ने कहीं किसी को हॉर्न मार दिए, चढ़ा दे मेरे अंग पे। माशाल्लाह हर मजहब के लोग है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ मोस्टली नॉन मुस्लिम जी आते हैं। बहुत भाई, मंसूर भाई के पहचान वाले, देखो ये अपने को और काम हो जाएगा भाई। मंसूर भाई अपना भाई है, मंसूर भाई आई यू गोल्ड फार्म, ये देखिए ये आपका स्टाफ है, और हम लोग 100 रुपया कम नहीं करा लेकिन अभी कम कर दिया 1100 रुपए। ये कुबानी कुबानी हैदराबाद की बीच है, यहाँ पे 1000 रुपए किलो, हमने वहाँ से 250 रुपए किलो ले लिया। कुछ भर गया आपको सामने टुकड़े, वल्लाही सच बोलता हूँ, खाली आपको डालता हूँ, शहरी में खाएंगे इफ्तारी तक याद करेंगे कि वाह मैंने क्या खाया बच्चे। वो मेरा सब्सक्राइब नहीं करना मेरा, हम लोग सब्सक्राइबर बहुत है। एक वाला आम के टुकड़े क्रीम में लगते हुए मुंह में जा रहे, वो कटनी। अरे यहाँ की एक खास बात यह है कि आप जब भी यहाँ पे स्टॉल पे आओगे और खाने के लिए बैठोगे तो कभी भी प्राइस पूछ लेना। ये सबसे जबान से ताजमहल अगर कोई बेच सकता है तो वो बम्बई 11, 8, 9 यहाँ के ही यूज कर सकता है, बाकी तो मुश्किल है। ये अपना बम्बई कितना है? ये 3 है। हाँ, उसके बारे में बताना चाहिए था।
होटल में धो लेना चाहिए था ना दाऊद। और ये मीर हयात खान, आओ दाऊद खान देख तो लेते मारेगा भाई नहीं क्यों मारेंगे भाई, वो उनका प्राइस था। बकरे में तुमको कोई मारता है क्या, हाथ लगा सकता है क्या? तो अपन अपना प्राइस भाई कितने आठ सौ लास्ट दो यार आजी एकदम फाइनल रेट तुम्हारा बता हजार पचास करो चला ना यार खरीदी ना खरीदी 530 रुपया। अच्छा ऐसी बात बोल रहे हैं तो डेढ़ लाख रुपया सुनो, डेढ़ लाख रुपया खर्चा है टोटल मेरा भाड़ा चल के देख लो। मैंने खर्चा तो बहुत, खर्चा तो भाई बहुत होता है, मैंने खर्चा बहुत है। एक पीस में मैं नहीं कमाऊंगा तो बताओ ना मतलब है, तो दूसरे पीस में कमा लो ना भाई। अच्छा दो ले रहे हैं ना, हिसाब से लगा दो दोनों का 1200 रुपए दे देना। अरे नहीं ना यार भाई, अब खरीदी बता दिया भाई, क्या बोल रहे भाई 1200 रुपए बोल रहे, 1200 हजार आसिफ भाई ने बोले, हजार मैं हजार बनता हूँ, बीच में बीच के रास्ता निकालो दे दो, चलो नहीं हो पाएगा भाई, 1050 करके ले लो, 1050 करके ले लो, 1050 मत चलना भाई, 2500 के ले ले, कुछ और लेके आ जाना। देखो हम लोग बकरा बेचते हैं ना, 600 भी तुमको बोला हो ना आसिफ भाई, अभी 600 आगे बोल रहे हो तो चिल्लाएंगे लोग। नहीं नहीं चिल्लाएंगे नहीं यार, हम लोग बकरा बेचते ना, तो जो बकरा ना ऐसा रहता है कि भाई निकालना है अभी, तो उसको बहुत हिसाब से देते, उसके बाद नया आते हैं मारने में कि निकालना पड़ेगा ना तो निकल जाएगा। नहीं 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 निकलते अभी, वैसे भी खत्म हो जाएगा भाई, सात आठ दिन नौ दिन बाकी है, सबका होलसेल रहता है भाई, दे देना नहीं तू कितना बोला लास्ट कम फाइनल 1200। अरे अभी 1100 बोला, 1100 बोला, 530 की खरीदी है, 1300 मैंने क्या बोला, 600 रुपया 1200 रुपया, 530 की खरीदे 70 रुपए पीस पे, मंगर कमा रहा हो भाई मंगर, 1100 दे दे, चलो 1100 दे दे, चलो चलो ये दे ना हम लोगों को, दो बच्चे लोग बकरे की हाइट नापने के लिए काम आता है ना आसिफ भाई, अपने को हम लोग 41 47 का निकाला, तुम दिए देना भाई, दो दे दो निकालो भाई, हम लोग आसिफ एसटीडी और मेरा डॉक्टर सरफराज, हम लोग का मुमरा में फार्म है, पहले मुंबई के ही है, बेसिकली मदनपुरे के हम लोग, लेकिन रहने के लिए मुमरा में अभी शिफ्ट हो गए।
बताओ भाई एक बार खाली 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 1100 रुपए मारो आसिफ भाई, मत मत जान दे भाई, अभी देखिए एक लिए दो लिए अभी और लेंगे। मंसूर भाई अब भी रुक, फोन लगाता हूँ अपना, अभी काम हो जाएगा। मंसूर भाई के पहचान वाले देखो, ये अपने को और काम हो जाएगा। मंसूर भाई अपना भाई है, मंसूर भाई अयूम गोल्ड फार्म, ये देखिए ये आपका स्टाफ है। और हम लोग 100 रुपया कम नहीं कर रहे, लेकिन अभी कम कर दिया, 1100 रुपए दे रहे हैं। अरे यार ऐसा मत बोल यार, मोहम्मद अली कौन दे रहे थे वहाँ पे काम करता है? हाँ मालूम है, अली तो बोला तुम लोग का भी काम है बकरे का। मंसूर भाई अच्छा, मंसूर भाई मंसूर भाई मुमरा में आए थे ना, उनको सबसे पहले मैंने फार्म दिलाया था, और उसी फार्म में अभी आसिफ भाई है, उसी फार्म में तो खड्डी का हड्डी का बोल रहे हड्डी का है, उनको मैंने दिलाया था बराबर। फिर वो गहना बहुत बड़ा हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल। नहीं मेरे को अभी हम लोग थोड़ा कम हो गया है, मार्केट हमारी कम हो गई है भाई। चलो आसिफ भाई तुम स्कैन करो भाई, 12 बोला हम लोग 1100 रुपए वाले अपने पहचान का, फिर भी मंसूर भाई के बोला, इसने बोला, बोला बच्चे ने बोला दिया भाई, बताया बताया बताया, आराम हो जाएगा, मंगा ले रहा हूँ मैं तुम्हारे से 1150 रुपए मार दो, 50 रुपए का मान रहा हूँ, डालो ना चलो अच्छा चलो डाल दो डाल दो। नहीं लेकिन एक बात भाई, अगर ये मतलब तुम लोगों का सिंक्रनाइजेशन है या नहीं भी है, तो भाई दोनों तीनों ने सेम खरीदी बोले, खरीदी हम लोग ऐसा है ना, अभी जो लोग मेरे ना उसने बोला भाई ये खरीदी है, अब वो उसका उसकी बात, उसने जो हम लोग को बोला तुमने बता दिया भाई। हाँ भाई आधा घंटा लगा बार्गेन करने में, बट क्वालिटी अच्छी है इसलिए ले लिए। हाँ ये मिरिंडा सोडा, मिरिंडा सोडा ये हमारे दोस्तों में से है, दानिश भाई। दानिश भाई सलाम अलैकुम, क्या बोलते दानिश भाई, कैसा चल रहा है रमजान? दानिश भाई पूरा साल भर का भी है ना तुम्हारा, पूरे साल भर अपन करते हैं। इंस्टाग्राम पेज होएगा? इंस्टाग्राम सोडा भाई दानिश जी, सोडा भाई दानिश। और रमजान के लिए खरीदने के लिए अपन आते हैं, कुर्ते के लिए यहाँ पे बस अल्लाह भाई हुआ है, दुआ करो बस ऐसे ही, अल्लाह कामयाब करे भाई। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग दोनों की तो भाई शॉपिंग हो गई, ये देखिए ये हमारा पाशा है, इस साल का एकदम हॉट केक, हॉट सेलिंग आइटम। इसमें कलर्स है अपने पास में जो भी अपने भाई, ये अपना अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज है, इसमें अलग अलग डिजाइन और अलग अलग कलर्स अपने मिल जाएंगे। हाँ बस ये अभी हमारे डॉक्टर साहब ने परचेज किए, इंशाल्लाह पहन के फीडबैक भी दे देंगे बहुत जल्दी। और भी काफी वैरायटीज है, देखो आप। हाँ काफी अच्छी है, अभी अच्छी वैरायटी है पूरी, हम लोगों को कहाँ मौका मिल पाता है, बट आ गए, आ गए, शॉपिंग करनी थी तो वो हिसाब से आ गए, बाकी वो कुछ 3000 का नहीं कम करता है। क्या हुआ? मुझे बोला 3000 का नहीं वो कम करता, आओ अपनी काबिलियत पे कम करो आप। कस्टमर का फायदा, कस्टमर का फायदा सही है। हाँ भाई तो हाँ शर्ट भी अच्छी अच्छी है, दे दो स्कैनर दो दे। हाँ बहुत, सबसे बेहतरीन जो आसिफ भाई मुझे लगा देखो वो जगमग जगमग द टिकटॉकर कुर्ता, अरे वो उधर देखो ना कौन सा। हाँ ये ना ये एकदम सीधा चांद रात में पहन के निकलो। हाँ बस अभी आसिफ भाई भूख और
अभी बहुत भूख लगाई और हम लोग मुंबई का जो जैसे मुंबई को दिल बोला जाता है हिंदुस्तान का, तो जो मुंबई का दिल है वो जगह पर हम लोग जाएंगे अपने पेट की भूख मिटाने के लिए, मीनारा मस्जिद की गली। कुछ भी वो एक उठा लिया उसको वापस दे दो, उसका मुंह उतर के। मैंने तो खा लिया उमरा में, मालूम आपको एकदम इफ्तार के टाइम पहुंचता हूँ तुम्हारा घर। हाँ, और रात में जब खाना खाने 10 बजे जाता हूँ ना, तो बुमरा की 14 लाख आबादी में से ऐसा लगता है 15 लाख हलाल लोग है। औरतें सुन रही है नहीं तो भड़क जाए। अरे नहीं भाई, मुमरा में 14 लाख की आबादी में 15 लाख हलाल है और सब रोड पे, और भाई जगह ही नहीं है। और थोड़ा सा हम लोग ने कहीं किसी को हॉर्न मार दिए, चढ़ा दे मेरे अंग पे। अरे खाला तो रोड पे ही चढ़ेंगे ना, अब्बा जी का रोड है क्या, हाईवे पे चल रहे चार काला लोग बात कर रहे, और कैसे हो, क्या हो, पहले रोजा कैसा गया, और हटते ही नहीं। यहाँ तो कम से हम लोग चल रहे हैं, यहाँ हम लोग पे आदमी और दोनों मिक्स है, आदमी लोग है या औरतें ही भरी है यहाँ पे, तो सब मिक्स है। हाँ देखो, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम का टी शर्ट भी है, जितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते उन लोग के लिए। हाँ आवाज अपनी जाएगी कि वॉइस ओवर करना पड़ेगा, देख लेंगे नहीं तो वॉइस ओवर करेंगे। झगड़ा हो गया मारो 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 मार गया मार गया। देखिए मारना नहीं चाहिए, काफी गलत बात है, मारो मत। और ये मुंबई, हम की मुंबई, ये मुंबई का दिल है, ये मीनारा मस्जिद। और भाई क्या मैं बोलूं, अंदर गली में जाके थोड़े सुकून में बोलेंगे यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से चल। हाँ, यहाँ के भाई लोकल लोगों की क्या हालत होती होगी, अपन तो मदनपुरे में फिर भी सुकून से है, इतनी पब्लिक नहीं है भाई, मतलब ये मैं समझता हूँ कि हर जगह से लोग आते हैं। रोड आगे का ब्लॉक कर दिया, ये ब्लॉक रहता है। हाँ, ट्रेन में लगेगा, ट्रेन में। अरे भाई देखो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, कैसा ना लोग बोलते कि कौमी एकजहती की मिसाल देना चाहिए, मैं बोलता हूँ कौमी एकजहती की मिसाल सबसे ज्यादा अगर आपको आना है तो आपको ये मीनारा मस्जिद के बाजू में मिलेगी। क्योंकि आसिफ भाई आप यकीन कीजिए कि आप दुकानों पे जाएं या लजीज पकवान खाने के लिए हमारे नॉन मुस्लिम भाई इतने आते हैं ना। अरे मेरी बच्चे लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। नहीं देखो कैसा है ना, मैं वही बोल रहा था आसिफ भाई कि आप यहाँ के पकवान के टेबल पे या होटल्स में आप जाओगे तो आप जैसे बात के भाई मतलब नॉन वेज में आपको 70-80% मिलेंगे, जो लजीज पकवानों का फुल इंजॉयमेंट उठा रहे और फुल इंजॉय कर रहे हैं सबके साथ। और मुस्लिम में कहीं पर भी यहाँ पर ऐसा कहीं से भी आपको कुछ खराबी नजर नहीं आएगी कि किसी को बुरा लग रहा है कुछ, सब हंसी खुशी शॉपिंग भी कर रहे, खा भी रहे, घूम भी रहे, तो बहुत अच्छी है बात है। और आगे आपको देखने के लिए भी मिलेगी, ये मुंबई मुंबई की जान है, और मुंबई की ये सबसे मेन गली जो है ना वो यही है, मीनारा मस्जिद की गली, खाऊ गली। स्वीट है क्या, दोनों में फर्क क्या है? अलग दुकान है। अच्छा, ये दोनों दुकान अलग है, दोनों में फर्क मैं पूछा दोनों में फर्क क्या है तो बोला वो अलग दुकान है, ये अलग दुकान है। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, तुम भी यार आसिफ भाई क्या बोलते क्रीम यार आसिफ भाई वो
खाने के लिए मैं कैमरे में आया हूं। वो तो सही है, नहीं तो क्या दिख रहे थे। अरे यार तुम बोलो मत, खा जाओ। क्या है, ठीक है, कैसा है? ओके ओके, खाना हम लोग टेस्ट करने के लिए लिए थे, कैसा है भी आओगे। अरे यहाँ की एक खास बात यह है कि आप जब भी यहाँ पे स्टॉल पे आओगे और खाने के लिए बैठोगे तो कभी भी प्राइस पूछ लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ भी लगा देंगे प्राइस, ये चीज का ध्यान रखो। हाँ जरूर जरूर, मतलब अगर समझो कि हलीम का यूजुअली रेट अगर 150 रुपया है और आपको 350 भी लगा दिए खाने के बाद, आप क्या बोलोगे? देना ही पड़ेगा। ये क्या बोलते हैं, सतर्क रहे, गिलास देख के पूरी बनाई जाती है। हाँ तो वो चीज कोई नहीं बताएगा, वो हम आपको, मैं तुमको बताता हूँ। इतने फोटो, इतने फोटो। आसिफ भाई मेरा भाई है, ये इसका आसिफ भाई एसटीडी बकरे वाले, बैंडम बैंडम बकरे, बचपन से देवनार में आते थे भाई, थोड़े मोटे थे पहले आप, अभी थोड़े पतले हुए। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, मेरे अभी थोड़े पतले हुए भाई, बचपन से देख रहे भाई, कैसा भूलेगा आपको। आप लोग हमीद का यहाँ पे ना डिलाइट क्रीम सेंटर, ये हर साथ ये लगाते क्रीम, मैंगो क्रीम बहुत डिलीशियस रहता और बहुत अच्छा रहता, लेकिन आप नहीं खाएंगे क्योंकि कमी है, इसलिए नहीं खाएंगे। नहीं नहीं, पैसा नहीं देना। नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, वो कभी और जन्नत में घर भी तो बना नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल, डॉक्टर साहब को आपको आपको जन्नत में, आपको जन्नत में, अगर जन्नत में घर बनाना है तो भाई आप शाम के बागात में ले दुआ करते हम लोग। नहीं नहीं जन्नत बकरे के, नहीं नहीं जन्नत नहीं है, जन्नत चाहिए, जन्नत तो चाहिए। बकरे तो देखो महंगे, आसानी नहीं होती इंसान को फ्री में देना, लेकिन कुछ खिलाना पिलाना तो मेरे आका का कॉल है। आइए आप लोग सभी, मोहब्बत ही है माशाल्लाह, और प्यार और मोहब्बत सिर्फ एक ही चीज से बढ़ता है, जब पेट में कुछ अच्छा उतरता है। सही बात है, ये फूड फेस्टिवल है रमजान शरीफ, यहाँ पर मोहम्मद रोड पे जो फूड फेस्टिवल है, यहाँ पर लोग अपने घरों से मेहनत करके अच्छी अच्छी चीज पका के आप लोगों के लिए हाजिर है, तो चाहे आप लोग आए इधर और खाए और बस प्यार लव पीस शेयर हार्मनी दैट्स इट। अरे मैं वही बता रहा था हमीद, यहाँ माशाल्लाह हर मजहब के लोग हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोस्टली नॉन मुस्लिम ही आते हैं। बहुत बहुत भाई, मैं 70-80% देख रहा हूँ भाई, अपने वाले कम है और माशाल्लाह अपने गैर मुस्लिम भाई ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली बहुत खुशी होती है, ऐसे ये सब बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छी बात है। साल भर यहाँ एक्चुअली इतने डिलीशियस फूड होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने डिलीशियस फूड होते हैं ना भाई, के मतलब मैं क्या बताऊँ। आप लोग एक बार आओ और यहाँ खाओ इंशाल्लाह, होममेड है ना, अपने घर के ही बना। यहाँ पर ये हमने ये लॉकडाउन के अंदर 7वें रोजे में रमजान महीना था, बैठे बैठे बस बोर हो रहे थे, थोड़े मार्केटिंग का कीड़ा है हमारे अंदर, तो बोले क्या करें, बैठे बैठे अब कंटाल गए। हमने देखा लोग भी अपने घर से कुछ ना कुछ बना के बेच रहे हैं, 4 साल पहले वो हमने भी फिर कुछ ना कुछ घर से बना के बेचना स्टार्ट किया, वही चीज जो हम खा रहे थे हमने वही चीज बेचना स्टार्ट किया, लोगों को बहुत पसंद आया, अभी हर साल का बिजनेस हो गया माशाल्लाह। अरे अच्छा माशाल्लाह, ये नहीं है हर साल वो एक अपन यूजुअली कितने बेचते, ओरिजिनल ओरिजिनल अल्फा हमने खाए, लेकिन भाई हम उसे ना पैसा नहीं लेते। ये अभी डॉक्टर, अरे मेरा छोटा भाई है ना, इसके लिए नहीं लेते यार, छोटा लेके देंगे, मतलब पैसा लेंगे नहीं, इतना लेके जाएगी अच्छा नहीं, लेके जाने का था। सुन ना, पार्सल का पैसा लेना लग गए, आप लोग एक खाओ बाकी जितना घर लेके आएंगे उसका पैसा। अच्छा हम लोग कितने का देते हैं ये? मैंने 3 साल से कंटिन्यूस 150 रुपीज में स्टार्ट किया था और इसको 150 रुपीज में ही बेच रहा था, बताएंगे क्या ये? इस बार पहली बार 30 रुपया बढ़ाया, क्योंकि क्रीम जो है ना फ्रेश क्रीम बहुत महंगी होते जा रही है। हाँ सही बात है, ये 180 रुपीज का आइटम बहुत ज्यादा महंगा, कोई से बनी हुई प्योर फ्रेश क्रीम है और इसके अंदर रियल अल्फांसो मैंगो से भर भर के आपको शाम के टुकड़े, वल्लाह सच बोलता हूँ, खाली आपको डालता हूँ, शहरी में खाएंगे इफ्तारी तक याद करेंगे कि वहाँ मैंने क्या खाया था इफ्तारी में। ये हमारे बॉम्बे के जो माशाल्लाह की बातें है ना, शान है, दिमाग पे मारेगी भाई, दिमाग पे सोच के रह जाओगे कि भाई 180 रुपए में मैंने क्या खा लिया हुआ। हमारे बॉम्बे में ऐसे ऐसे फनकार है ना, बोलते ना जो आसिफ भाई बोलते हैं कि जबान से ताजमहल बेच देंगे। जबान से ताजमहल अगर कोई बेच सकता है तो वो बम्बई 11, 8, 9 यहाँ के ही यूज कर सकते हैं, बाकी तो मुश्किल है। ये अपना बॉम्बे कितना है?
ये तीन है, तीन आप लोग सब आए यहाँ पर, ये डेजर्ट वाकई में आप मिस करोगे। अरे वो खोल के तो बता सेंटर की, अरे खाएंगे ना आपको, हाँ भाई बिल्कुल खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। सुन अभी जाने के टाइम पे लेके आएंगे पार्सल और ले लेना पैसा, अभी खा लेंगे एकदम घूम करना है। हाँ पूरा आम का पूरा ऊपर रखा ही हुआ है। और भाई वो उसका मतलब ये से वो बादामी और आम नहीं डालता है, अल्फेंसो है ना, बादामी ना पायरी, ब्लू अल्फेंसो सीधा एक वाला आम के टुकड़े क्रीम में लपटे हुए मुंह में जा रहे वो कटली ना। ये लो भाई, भाई का हाथ से खाई गया है। अरे वो खिला भी देगा यार, कोई नहीं। अरे क्या करिए मैंगो क्रीम भाई, भाई वाकई में खाने के बाद आपके मुंह में 2-3 घंटे तक आफ्टर टेस्ट रहेगा इतना आफ्टर टेस्ट रहेगा ना, बहुत अच्छा है। लो ना यार पकड़ो भाई, नीचे भी तो मुझे देख रहे हैं। क्या करिए मैंगो क्रीम भाई, चॉकलेट तो नहीं मैंगो। Awesome, awesome.